सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं मोनिल और आज की इस एकदम नई और कमाल की वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के नए एल्गोरिथम्स के बारे में, जो कि यूट्यूब 2020 में आप सभी के लिए यहाँ पर लागू कर देगा। और दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए प्लीज कह रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपके लिए बताना चाहता हूँ जिसमें कि आप अपने चैनल को एक मंथ के अंदर अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपके 4000 घंटे आप कैसे फटाफट पूरा कर सकते हैं और 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे एक मंथ के अंदर अंदर कैसे पूरा कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आज की इस वीडियो पर जो हमारा खाली 15 लाइक्स का टारगेट है उसे फटाफट से पूरा कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगली वीडियो और अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियो ला सकूं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो उन सभी के लिए जो कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, हमारे चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही। तो गाइस, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए 2020 में वो अपने चैनल को कैसे ग्रो करवा सकते हैं, उनके लिए क्या एक नई स्ट्रेटेजी होगी। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ 2020 के लिए कि आप अपना चैनल एक महीने के अंदर अंदर ग्रो करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप यूट्यूब पर कितना रेगुलर रहते हैं, क्या आप यूट्यूब पर कितने रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं या नहीं। दोस्तों रेगुलर वीडियो अपलोड करने से क्या होता है, आपको ब्राउजिंग फीचर्स का फायदा होता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके वीडियो में ब्राउज फीचर्स है तो आपकी वीडियो सजेस्टेड में जाती है और आगे भी सर्च में आती है। तो भाई सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको ब्राउज फीचर्स का फायदा होता है, अगर आप रेगुलर नहीं भी हैं तो आप दो या तीन दिन में जरूर से जरूर एक वीडियो तो अपलोड कर ही दें, क्योंकि गाइस वीडियो रेगुलर अपलोड करने से आपके चैनल पे इंटरेक्शन भी बढ़ती है, लोग डेली आपकी वीडियोस देखते हैं। तो अगर आप डेली वीडियोस डालते हैं तो लोग डेली आपके चैनल पर विजिट करते हैं कि आपके चैनल पर वीडियो आई या नहीं, वीडियो नहीं आई, आई कि नहीं आई, तो डेली आपके चैनल पर विजिट भी होती रहती है। सो गाइस, सेकंड पॉइंट में हम जाते हैं। सो गाइस, सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि बात आती है फेस कैम वीडियोस की, कि आप अपने चैनल पर फेस कैम वीडियोस बनाते हैं या नहीं। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा मेरा जो चैनल है, मैं पहले भी अपनी वीडियो सारी जो वीडियो है वो मोबाइल स्क्रीन से रिकॉर्ड करके बनाता था, पर दोस्तों अभी जो मेरी लास्ट की 20 या 30 वीडियोज है वो आप जाकर देखेंगे तो गाइस वो सारी वीडियोस फेस कैम है, क्योंकि दोस्तों फेस कैम वीडियो बनाने से आपका जो यूजर्स है, आपके सब्सक्राइबर्स है, उनके साथ एक कनेक्शन बढ़ता है दोस्तों। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फेस कैम वीडियो बनाएं, तो आपका जो मतलब फेस कैम वीडियो बनाने से एक यूजर का जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियो को देखना पसंद करते हैं अगर आपका वीडियो फेस कैम है। तो गाइज, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो गाइज थर्ड पॉइंट ये आता है कि आप कमेंट्स का कितना रिप्लाई करते हैं। तो गाइज, अगर आपका एक नया यूट्यूब चैनल है तो बहुत कम कमेंट आते होंगे, पर जो भी कमेंट आपको आते हैं दोस्तों आपको उनका रिप्लाई रेगुलर देना होता है। और दोस्तों हम दूसरे की वीडियोस में बात करें, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, आपको उनकी वीडियो में भी जाके बहुत सारे बंदे कुछ क्वेश्चन टाइप का पूछते हैं, तो आपको उनका रिप्लाई वहां पर देना रहता है। आप अगर एक अच्छा सा रिप्लाई देते हैं तो गाइज आपका वो एक सब्सक्राइबर कहीं नहीं जाएगा, आपका सीधे आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। पर दोस्तों आपको वीडियो का लिंक विंक, आपके चैनल का कोई भी लिंक वहां पर बिल्कुल भी नहीं रिप्लाई में करना होता है, ऐसे में आपका कमेंट स्पैम में चला जाता है, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है आपके चैनल की। तो गाइज अब हम बात करते हैं नए यूट्यूबर की, पर दोस्तों पुराने यूट्यूबर भी इस चीज को जरूर समझे कि ये जो मैं चीज बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नए और पुराने यूट्यूबर दो ही के लिए। तो गाइज, नए यूट्यूबर और पुराने यूट्यूबर ये सोचते हैं वो अगर वीडियो के व्यूज के पीछे आप भागोगे तो गाइज दोस्तों आपका वीडियो वायरल कुछ भी नहीं होना है, आपका चैनल ग्रो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो के व्यूज के पीछे भागोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 10000 व्यूज लियाओगे, पर दोस्तों आपके वीडियो की जो रैंकिंग है वो तो दोस्तों कम ही वैसी की वैसी रहेगी, आपकी वीडियो की रैंकिंग और चैनल की रैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर दोस्तों अगर आप अपने वीडियो के कंटेंट पे जाते हो, अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो तो लोग आपको ज्यादा देखना पसंद करेंगे, ज्यादा आपको सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपकी वीडियो में दोस्तों अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो भले ही आपके बैकग्राउंड में कुछ भी हो, कुछ भी बज रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, तो आपका वीडियो वायरल जरूर होगा। आपकी वीडियो के में अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आपका वीडियो जरूर वायरल होगा। और अगर आप व्यूज के पीछे भागते रहेंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं होना है। सबसे मेन बात यहाँ पर वीडियो में ये आती है कि आपकी वीडियो में कितना ज्यादा वॉच टाइम है।
आपकी वीडियो पर कितना अच्छा ऑडियंस रिटेंशन है। अगर आपकी वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है तो सीधी सी बात है कि वॉच टाइम भी ज्यादा आएगा, और वॉच टाइम ज्यादा आएगा तो यूट्यूब आपकी वीडियो को आगे सजेस्टिंग में भेजेगा और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी लाएगा। और जैसे ही आपका वीडियो सर्च में आएगा तो आपका वीडियो वायरल होने लगेगा धीरे धीरे आपका वीडियो। तो गाइस होता क्या है, जो भी नए यूट्यूबर पुराने यूट्यूबर्स है वो क्या करते हैं, वीडियो को पोस्ट करने के बाद थोड़ी देर में टाइटल बदल देते हैं, टैग्स बदल देते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि वीडियो डालते साथ ही किसी का भी वीडियो वायरल हो जाता है। हम बड़े यूट्यूबर्स की बात अलग करते हैं क्योंकि उनका चैनल पहले से ही ग्रो है तो वो वीडियो डालते साथ ही उनका वायरल हो जाता है। पर दोस्तों छोटे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा तो है नहीं कि हमने वीडियो डाला एक घंटे में 1,00,000 व्यूज आ गए। पर दोस्तों आपको 1 दिन 10 दिन वेट करना पड़ता है। दोस्तों जैसे कि मेरे भी बहुत सारे वीडियो है वो डालने के 2-2, 3-3 महीने बाद वायरल हुए हैं। तो गाइज इसलिए आपको दोस्तों ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन बदल के, क्योंकि आप जैसे ही टाइटल बदलते हैं वीडियो की रैंकिंग खत्म हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और आपका वीडियो आपका आगे सर्च में नहीं आता। सो गाइज आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया वो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर अप्लाई कर लेते हैं तो गाइज दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत ही आसानी से 1 मंथ के अंदर हासिल हो जाएंगे और आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए ऑन हो जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए YouTube से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।